खबर है बहादुरगढ़ से। बिजली निगम विजिलेंस ने यहां पर छापा मारा है। बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 5 टीमों ने शहर भर में छापे मारे हैं और बहादुरगढ़ में बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही हैं। 2 दर्जन से ज्यादा जगह पर बिजली चोरी पकड़ी भी गई है। सब्जी मंडी में 5 बिजली चोर पकड़े गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रदीप, लगातार देखिए ये खबरें सामने आ रही थी कि बिजली चोरी पकड़ने के लिए अब कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई आपके यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला है? कौन से ऐसे इलाके जहाँ पर बिजली चोरी की समस्याएं देखने को मिल रही थी बहादुरगढ़ में? जी आरती, बिल्कुल, पिछले लंबे समय से सूचनाएं मिल रही थी कि शहर में काफी सारे लोग जो हैं वो चोरी कर रहे हैं और बिजली चोरी को रोकने के लिए ही आज स्पेशल अभियान चलाया गया है। बिजली विभाग की 5 टीमें मौके पर पहुंची हैं और सभी ने करीब 50 से ज्यादा चोरी की जगहों पर पहुंची हैं और वहां पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। लाखों रुपए का जुर्माना भी इस दौरान लोगों पर लगाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि सब्जी मंडी में 5 जो चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं, वहां पर लोगों ने अवैध कट लगा रखे थे, बिना मीटर के वो बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ का देवनगर हो या फिर लाइन पार क्षेत्र हो, वहां पर भी बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। इससे जो बिजली चोर हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। अल सुबह ही ये कार्रवाई बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से शुरू की गई थी। सुबह के समय 5 टीमें जगह जगह पर रेड करने के लिए पहुंची और उन जाकर घरों के मीटरों को चेक किया गया, तो पता चला कि कई जगह मीटरों में भी गड़बड़ है, कई जगह अवैध कट लगा रखे हैं और कई जगह बिना मीटर के ही बिजली का तार डालकर खंभे से बिजली की चोरी की जा रही है। इससे बिजली निगम को भी काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो बिजली है वो महंगे दामों पर लोगों को दी जा रही है, जो आम लोग उपभोक्ता हैं, जो बिल भरते हैं, लेकिन जो चोर हैं वो फ्री में बिजली का जो उपयोग कर रहे थे। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई आज इन चोरों के खिलाफ जो बिजली निगम के अधिकारी हैं उन्होंने की है और लाखों रुपए का जुर्माना भी बिजली चोरों पर लगाया गया है। अच्छा, देखिए अभी तो कार्रवाई देखी गई है, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा था कि बहादुरगढ़ में शिकायतें मिलती रही हैं, तो क्या आने वाले दिनों में फिर इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं, या ये कहें कि इस छापेमारी के बाद अब लोगों में डर होगा, लोग भी संभलेंगे? जी बिल्कुल, लोगों को भी संभलने की आवश्यकता और अवश्य ही जो ये कार्रवाई हुई है इससे लोगों में डर भी बढ़ेगा, क्योंकि बिजली चोरी जो है वो आम बात हो चुकी है। हर आदमी अपना अधिकार समझता है कि बिजली चोरी की जाए और बिल उसे कम भरना पड़े। इसीलिए जो है विभाग के अधिकारियों ने आज छापेमारी की है, लोगों को जागरूक भी किया है, कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया है और ये भी उन्हें कहा गया कि अगर दोबारा से बिजली चोरी करते गए आप पकड़े गए तो और जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जुर्माना भरने के बाद ही कई लोगों के जो कनेक्शन काटे गए हैं उन्हें दोबारा जोड़ने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक।